देखिए मेरे पास हीरो कंपनी का पैशन प्रो बाइक है, और अब ये बाइक का देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि बाइक का बैटरी डाउन हो गया था और बाइक का रोशनी का प्रॉब्लम है। एक ये 100% क्या बात कि अभी जो बाइक आ रहा है वो एसी डीसी बाइक आ रहा है, लेकिन ये बाइक हीरो का पैशन प्रो जो है ये पुराना मॉडल सेल्फ स्टार्ट बाइक है, फिर भी इस बाइक में बैटरी डाउन हो गया था, अचानक बैटरी डाउन हो जाता है, बार बार बैटरी डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है। इसको हम चेकअप कैसे करेंगे, बैटरी खराब है या फिर आरआर यूनिट खराब है या फिर हमारा जो आर्मेचर कॉइल जो आता है वो खराब है, क्योंकि एक जो हो गया यहाँ पे देखिए इस तरफ में लगा है, इसके अंदर लगा है आर्मेचर कॉइल असेंबल, कॉइल गुच्छा जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एक रेगुलेटर लगा है जिसको हम लोग आरआर यूनिट बोलते हैं। दूसरा हो गया कि यहाँ पे बैटरी खराब है या फिर आरआर यूनिट खराब, इसको चेकअप कैसे करना है, क्योंकि बाइक का बैटरी बार बार डाउन हो रहा है। उसके बाद अगर बात कर ले तो बाइक में रोशनी भी नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे बाइक को हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाइक का भी स्टार्ट है, देखिए यहाँ डिस्प्ले पर लाइट प्रॉपर आ रहा है, देखिए जैसे ही थोड़ा थ्रॉटल देता है ऑटोमेटिक लाइट देखिए किस तरह से बिलिंग करने लगता है, यानी कि लाइट दब रहा है, लाइट ज़्यादा होने के प्रॉब्लम से लाइट ज़्यादा होने के जगह लाइट कम हो रहा है, जैसे थ्रॉटल देते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो बैटरी चार्ज भी नहीं हो रहा है, इसमें हम नया बैटरी डाल करके अभी चेकअप किए हैं, इसका जो पुराना बैटरी है वो भी प्रॉपर सही है। ये जो है मिंडा कंपनी का, इससे पहले बैटरी लगाते हैं, बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया था तो मुझे लगा कि बैटरी खराब है, लेकिन न्यू बैटरी लगाने के बाद भी कुछ देर चलने के बाद बैटरी ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है, इस प्रॉब्लम को चेकअप कैसे करेंगे, तो चलिए आपको हम चेकअप करने का सिंपल सा तरीका बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स चेकअप करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को यहाँ पे कितना पे सेटिंग करना, 20 पे ही हम 12 वोल्ट को चेकअप कर सकते हैं, जो बाइक का जो वोल्ट है फिर बैटरी को चेकअप कर रहे हैं। इसको हम सेटिंग कहाँ पे किया, 20 पे, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसका जो दो सिरा है, ब्लैक वाले को निगेटिव में ज्वाइंट करना है, अब रेड वाले को यहाँ पे पॉजिटिव में ज्वाइंट करना है, यहाँ पे इस तरह से। अभी कितना वोल्ट देख ला, 12.74, यानी 12 वोल्ट बैटरी प्रॉपर चार्ज है, लेकिन अभी हम जैसे थ्रॉटल देंगे तो रीडिंग बढ़ना चाहिए, 13, 14 तक ये रीडिंग जाना चाहिए। अगर रीडिंग नहीं बढ़ रहा है उस टाइम हो सकते हैं आरआर यूनिट खराब हो गया, फिर आर्मेचर कॉइल खराब हो। चलिए हम थ्रॉटल देते हैं बाइक को, होने लगता है, रीडिंग डाउन होने लगता है जैसे बाइक का हम थ्रॉटल देते हैं, तो इससे ज्यादा रीडिंग नहीं बढ़ता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम चेकअप करेंगे, क्योंकि रीडिंग तो बढ़ नहीं, रीडिंग डाउन हो रहा है, और लाइट भी प्रॉपर ज्यादा नहीं, लाइट दब रहा है, लाइट जैसे थ्रॉटल देते लाइट छप रहा है। अब हम चलिए हम बाइक को सबसे पहले बंद कर लेते हैं, यहाँ पे बाइक को हम इग्निशन को ऑफ कर दिया, बैटरी देखिए जितना चार्ज है उतना दिख रहा है, यानी कि थोड़ा पॉइंट जो है इसका 12 से 13 तक जा रहा था, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो यहाँ से क्या करना है, इस सॉकेट को आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से देखिए सॉकेट में आपको देखिए 4 वायर है, रेड वाला जो वायर है इसमें हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए करंट जाता है रेगुलेटर से। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें एक व्हाइट कलर का आपको वायर दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें करंट आता है हमारा आर्मेचर कॉइल से जो मैग्नेट के पास लगाते हैं, इसमें हम करंट चेकअप करेंगे करंट आ रहा है या नहीं, तो इसके लिए एक वायर लेंगे। इस तरह से आप नॉर्मल अपने घर पर भी चेकअप कर सकते हैं। इसमें वायर डालने के बाद बाइक को कर लेना है स्टार्ट, अगर स्टार्ट नहीं होगा तो आप नॉर्मल किक दबाइएगा तो इसमें करंट आना चाहिए, अगर बैटरी लगा है तो बैटरी से भी बाइक स्टार्ट हो जाएगा, अगर बैटरी डाउन है तो आप किक दबा करके करंट चेकअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी बैटरी नया है तो हम स्टार्ट करके ही करंट चेकअप करेंगे, ठीक है। अभी बैटरी से बाइक चल रहा है, न कि आरआर यूनिट से, और देखिए यहाँ पे चेकअप कर देखिए, फिर स्पार्क यानी कि करंट इसमें प्रॉपर आ रहा है, अगर यहाँ तक करंट नहीं आता तो उस टाइम हो सकता था आर्मेचर कॉइल खराब था, लेकिन यहाँ पे अब क्या फॉल्ट निकल रहा है, आरआर यूनिट, क्योंकि यहाँ से करंट। और आपको एक डॉट और हम क्लियर कर देते हैं पुराना वाले में ही लगा करके, इसको यहाँ पे सेटिंग कर लिए। अब यहाँ से बैटरी को टर्मिनल को हम साइड कर देते हैं खोल करके, जैसे हम बाइक का बैटरी को तार साइड किए, यहाँ पे देखिए करंट आ रहा है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा करंट आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इससे भी पता कर सकते हैं करंट तो आ रहा है तो आरआर यूनिट
सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी थोड़ा करंट आते रहता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, करंट चेकअप करने के लिए आपको मल्टीमीटर होना बहुत ही जरूरी है आपके वर्कशॉप पे। अगर आप एक मैकेनिक है तो मल्टीमीटर से ही करंट को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इस वायर के मदद से जिस तरह से मतलब उस तरह से भी चेकअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैकेनिक को यही होता है कि इस तरह से चेकअप कर लिया ऐसे ऐसे करके तो हम लोगों को लगते रहता है कि आर यूनिट तो अभी सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आर यूनिट खराब रहता है। कभी कभी आर यूनिट भी माइनस में करंट देने लगता है या करंट ओवर देने लगता है, उस प्रॉब्लम से बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बाइक में नया आर यूनिट डालेंगे। रोक कंपनी का आर यूनिट है, यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पे, देखिए भैरव कंपनी का, आप यहाँ प्रॉपर देख रहे हैं आर यूनिट, स्प्लेंडर, ग्लैमर, पैशन प्रो, इन सभी मॉडल में प्रॉपर फिट हो जाएगा। अगर प्राइस का बात कर ले 361 रुपया प्राइस है। भैरव का भी लगा सकते हैं, फिर हीरो का जेनवन भी लगा सकते हैं, लेकिन बजाज कंपनी में जो भी पार्ट लग गया तो भैरव का ही आता है, भैरव ओरिजिनल सप्लाई देता है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, देखिए यही है वो आर यूनिट रेगुलेटर। पुराने वाले को यहाँ से खोल करके सेट कर लेते हैं, यूनिट सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नया वाला आर यूनिट को हम सेटिंग कर लिए। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके चेकअप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट को चेकअप कर रहे हैं, प्लस से माइनस में टच कर रहे हैं, करंट अभी प्रॉपर सही आ रहा है। आप देख लिए यहाँ पे करंट प्रॉपर भरपूर आ रहा है, जितना करंट आना चाहिए उतना करंट प्रॉपर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ मल्टीमीटर को हमने सेटिंग कर लिया, अभी देखिए बाइक स्टार्ट है तो यहाँ पर 13 पॉइंट थोड़ा स्लीटर दीजिए, जैसे थ्रोटल देंगे तो अब रीडिंग देखिए आगे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर थ्रोटल देने के बाद इस तरह से करंट चेकअप करने में रीडिंग डाउन हो रहा है, तो उस टाइम हो सकता है आपका बाइक का आर यूनिट खराब है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बाइक में नया बैटरी नहीं डाल करके पुराना ही बैटरी को हम सेटिंग कर देंगे, क्योंकि इस बैटरी को हम लगाए थे चेकअप करने के लिए। आप नॉर्मल इस तरह से चेकअप कर सकते हैं, बैटरी खराब है या फिर आर यूनिट खराब है या आर्मेचर कोयल खराब है। और उसके बाद हम बात कर ले लाइट का। अब देखें यहाँ पे लाइट का रोशनी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, देखिए थ्रोटल भी दे रहे हैं, रोशनी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। देखें यहाँ पे अब रोशनी पीछे की तरफ नहीं दब रहा है, जैसे थ्रोटल देते हैं तो रोशनी ज़्यादा हो रहा है। आप अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप एक बार आर यूनिट को चेंज कर दीजिए, आपका बाइक का प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि आर यूनिट सही रहता है, हमारा खराब जो रहता है वो कोयल असेंबल खराब रहता है। दोनों चीज़ को आपको चेकअप करने के बाद ही आप बैटरी का नया डालिएगा।